ब्लड कैंसर के जो नागपुर शहर में अनेक लोग अनेक पेशेंट इससे ग्रस्त हैं और लोगों को इससे राहत कैसी मिले, ब्लड कैंसर से मुक्ति कैसी मिले, इस अभियान के अंदर माई लता बहुद्देशीय सेवा संस्था रुजय वेंचर इन्होंने जो एक मुहिम जो छेड़ा है ये बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही पुण्य का काम, बहुत ही सराहनीय काम उनके माध्यम से हुआ। लोगों में भी इसके बारे में जागरूकता है, लोग कैंसर बोले यानी भयभीत, पूरा परिवार भयभीत हो जाता है, लेकिन अभी नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसकी भी बीमारी का इलाज बड़े पैमाने पर निकला है और इसलिए जनता ने इस बीमारी का समाधान कैसे निकले, इसका हल कैसे निकले, ब्लड कैंसर बोले यानी आदमी के शरीर को पूरा खा जाता है और इसका इलाज हो और इसमें जागरूकता निर्माण हो, इसलिए ये संस्था ने जो अभियान जो छेड़ा है ये सही मायने में एक बहुत ही एक पुण्य का काम संस्था के माध्यम से हो रहा है। मेरी सभी नागरिकों से विनती है कि 8 सितंबर 2018 को सुरेश भट्ट सभागृह में इसका प्रेजेंटेशन वाला होने वाला है, इसका एक अच्छा फंक्शन होने वाला है और इस फंक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहयोग करे, सहकार्य करे, इससे ये इलाज को जड़ से ही खत्म कैसा किया जाए, ये मुहिम जो चली है इसके सही मायने में इसके आम जनता को इसके बड़े पैमाने पर फायदा होगा। मैं इस संस्था के दोनों संस्था को अपनी ओर से कोरोना की जनता की ओर से उनको शुभेच्छा देता हूँ।